वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स. आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी 9th क्लास के थर्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 10, दैट इज स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मींस वैरायटी ऑफ लाइफ एंड कंजर्वेशन मींस प्रोटेक्शन. सो हाउ वी कैन डिफाइन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इट मींस द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट अफेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मतलब जमीन पर जितनी भी ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करना कंजर्वेशन कहलाता है. नाउ इट इंक्लूड्स नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट. नंबर 2, मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड रिसोर्सेज. एंड नंबर 3, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ. यानी हमारी लाइफ को वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं और जिन्हें प्रोटेक्ट करना हमारे लिए जरूरी है. हमें अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है. नंबर 2, हमें रिसोर्सेज और ह्यूमन नीड्स के दरमियान एक बैलेंस को रखना जरूरी है. नंबर 3, जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि इन सब चीजों का असर हमारी जिंदगी पर होता है, ठीक है, और ये हमारी लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है. पाकिस्तान जो है ये रिच ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, बट जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनता जा रहा है. हमें अपनी इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत है, जिसके लिए यूएन वर्ल्ड में इस वक्त ये हॉट टॉपिक बना हुआ है कि किस तरह से हम अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंजर्व करें. नाउ थ्रेट्स टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, यूएन वर्ल्ड समिट. पाकिस्तान रिच ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, बट ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज थ्रेट में है. और इस प्रॉब्लम को यूएन वर्ल्ड समिट में 1992 में रखा गया. ये वो मीटिंग थी जिसके अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड हर स्टेट के हेड ने पार्टिसिपेट किया. और इस मीटिंग में कुछ ऐसे प्लान्स किए गए जिसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स बनाए गए ताकि हम अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें और उनका लॉस होने से बचा सकें. पाकिस्तान इज फेसिंग कंटिन्यूस लॉस ऑफ स्पीशीज एंड नेचुरल हैबिटेट्स. हालांकि पाकिस्तान इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से रिच है, बट इसके बावजूद हम रोज बर रोज दो चार हो रहे हैं लॉस ऑफ स्पीशीज से और उनके नेचुरल हैबिटेट से. व्हाट आर द कॉजेस फॉर द लॉस ऑफ दिस स्पीशीज एंड देयर नेचुरल हैबिटेट्स? नंबर 1, ओवर पॉपुलेशन. नंबर 2, पॉवर्टी इन द रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान. नंबर 3, लो लिटरेसी रेट. एंड नंबर 4, लेस रिसोर्सेज. मेन प्रॉब्लम जो हमारा इस वक्त है जिसकी वजह से हमारी स्पीशीज लॉस हो रही है, उनके नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो है ओवर पॉपुलेशन. ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा आबादी बढ़ती चली जाएगी, बैलेंस खराब होगा, उतनी ही पॉपुलेशन की जरूरतें बढ़ती चली जाएंगी और उनको पूरा करने के लिए देन ये ह्यूमन बींग्स जो है वो डिस्टर्ब करेंगे और जिसकी वजह से हमारा स्पीशीज लॉस भी होगा और उनके नेचुरल हैबिटेट भी डिस्टर्ब होंगे. इसके अलावा रूरल पाकिस्तान के अंदर जो रूरल एरियाज हैं उनके अंदर रोज बरोज बढ़ती हुई गुर्बत जो है उसकी वजह से भी लॉस ऑफ स्पीशीज हो रहा है हमें और हमारी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है. देन लो लिटरेसी रेट, मतलब लोगों को शाउर ही नहीं है कि ये बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसको हमने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है और अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है. देन लेस रिसोर्सेज, जितनी तेजी के साथ हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है उतने ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है. दिस इज द रीजन के ज्यादा आबादी के लिए कम रिसोर्सेज भी इस बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करने का एक मेन कॉज है. नाउ IUCN एंड WWF-P, ठीक है. IUCN मीन्स द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. एंड WWF-P मीन्स वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान. अब जो IUCN एंड WWF-P है वो पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के साथ मिलकर काम कर रही हैं और पाकिस्तान की जो ये बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हैं. IUCN हैज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान. IUCN ने सबसे पहले एक रेड लिस्ट तैयार की इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, जिसके अंदर जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको मेंशन किया गया. ऑर्गेनाइजेशंस, यानी वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो बनाए जा रहे हैं इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए.
Number 1. National Conservation Strategy. In 1980s, the IUCN and Government of Pakistan formulated this strategy for conservation of biodiversity. सबसे पहले 1980s में IUCN ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी प्लान की जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए गए और उनको फॉर्मुलेट किया गया. नंबर 2, यूएन कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन. इन 1997 पाकिस्तान साइंड दिस इंटरनेशनल ट्रीटी अगेंस्ट द डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड्स. 1997 ने पाकिस्तान ने इस इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया ताकि हम अपनी ड्राई लैंड्स को डैमेज होने से बचा सकें और वहां पे जो पॉवर्टी है उसके लिए कोई सलूशन निकाल सकें. ठीक है, तो यूएन कन्वेंशन जो है ये वो प्रोजेक्ट है जो के बनाया गया इन ड्राई लैंड्स को डैमेज होने से बचाने के लिए और वहां की पॉवर्टी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. नंबर 3, हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट्स. In 1991, it started in Palace Valley, KPK for the conservation of richest biodiversity in Pakistan. Himalayan Jungle Project क्यों बनाया गया 1991 में? इसको formulate किया गया ताकि जो Palace Valley है और KPK है, KPK जो है that is the richest area and it is having the richest biodiversity of Pakistan. ठीक है, तो of course इसको भी conserve करने की ज़रूरत है जिसके लिए 1991 में ये project बनाया गया. नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज ऑफ बलोचिस्तान. जो बलोचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान का, इसके अंदर सुलेमान रेंज जो है उसके में सबसे बड़े वर्ल्ड के चिलगोजा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ऑफ कोर्स इसको भी कंजर्व करना जरूरी है. हम चाहते हैं कि ये भी ना डैमेज हो पाए और इसको भी कंजर्व किया जाए, तो इसके लिए 1992 में WWF-P ने, दैट इज द वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ पाकिस्तान, इन चिलगोजा फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए स्ट्रेटजी तैयार की. नंबर 5, नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. नॉर्दर्न एरिया जो है ये वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के लिए लार्ज नंबर में हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, देन इसको भी कंजर्व करना जरूरी है, जिसके लिए NACP ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया ताकि नॉर्दर्न एरियाज के अंदर इन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के हैबिटेट को कंजर्व किया जा सके. नंबर 6, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल, KPK. हर साल जो है वो विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट करके दूसरे रीजन से चित्राल और KPK में आते हैं, बट अगर 1 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट करके यहाँ आते हैं चित्राल एंड KPK में, तो इससे यहाँ पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही अबाउट 200,000 इन माइग्रेटरी बर्ड्स को हंट करके किल कर दिया जाता है. तो WWF-P ने 1992 में एफर्ट स्टार्ट की ताकि जो इनका हंटिंग प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जाए, जो कि आज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारहोर. मारहोर जो है दैट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान. मारहोर हमारे पाकिस्तान का एक नेशनल एनिमल है. ये प्रेजेंट है क्वेटा में हजारगंजी नेशनल पार्क में और उसके करीबी एरियाज के अंदर पाया जाता है. WWF of Pakistan developed the management plan of the park. World Wide Fund of Pakistan जो है उसने इन parks को manage करने के लिए ये project तैयार किया, that is called the conservation of Chiltan Marhor. Number 8, ban on the games. हर साल पाकिस्तान में northern areas में specially बहुत सारे visitors आते हैं, mostly the foreigner visitors जो हैं, जो दूसरे countries से आते हैं, वो यहाँ बहुत सारी जो है गेम्स को प्ले करने के लिए हंटिंग करते हैं और बियर्स को यूज करते हैं, दैट इज एन इलीगल एक्ट. ठीक है, तो हमें अपनी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए और अपनी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको रोकना होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन ऑन द गेम्स, यानी इन गेम्स को बैन कर दिया.